आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम पाइराइट पाइथन का यूज करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट पाइराइट पाइथन। इसके अंदर आज हम फोकस करेंगे लूपिंग स्ट्रक्चर के ऊपर। तो लूपिंग स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को व्हाइल का डेमोंस्ट्रेशन देता हूँ। तो इसके अंदर हम एक सिंपल सा प्रोग्राम करेंगे, काउंटिंग ऑफ 1 to 10। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं C=1 व्हाइल C>10 प्रिंट C। और यहाँ पर आगे चलाएंगे हम इसको C=C+1। ओके, इसके बाद हम इसको रन करेंगे, है ना। ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। अब इसके अंदर अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर हम ये सी है ये कीबोर्ड से रीड करें, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक फंक्शन देना पड़ेगा, इनपुट, और ये वेरिएबल आप इंटर एन, सॉरी यहाँ पर एक एन वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर वही आपका C=1 हो जाएगा। और ये जो आपने यहाँ किया है इसकी जगह एन आ जाएगा। अब इस प्रोग्राम में हमारे पास आ गई फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो अपन कीबोर्ड से जो वैल्यू इंटर करेंगे वहाँ तक ये प्रोग्राम चलेगा हमारा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको रन करिए, इसमें एरर आया है, यहाँ पर हम ये कॉलम लगाना भूल गए हैं। तो ये कॉलम यहाँ लगा दीजिए और इससे आगे बढ़िए, ठीक है। एन की वैल्यू सपोज अपन देते हैं 5 तक चलेगा, ठीक है। फिर से रन करिए इसको, एन की वैल्यू 10 देते हैं तो ये आपका 10 तक चलेगा, ठीक है। फिर से आगे बढ़िए, अगर n की वैल्यू हम 20 देते हैं तो ये 20 तक चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हमारा सिंपल सा लूपिंग स्ट्रक्चर का था। अब इसी के अंदर हम साथ के अंदर सम भी करवाना चाहते हैं इसी प्रोग्राम के अंदर। इसमें हम चाहते हैं कि इसको सम ऑफ सीरीज कर दें, और वो सीरीज 1+2+3 ये अप टू एन तक इसको ले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक और वेरिएबल ले लेंगे सम, और उसमें शुरू में स्टोर करा देंगे 0। और यहाँ प्रिंट सी करने के बाद यहाँ sum=sum+c ये यहाँ करा दिया। अब ये आप लोगों का लूपिंग स्ट्रक्चर यहाँ आ गया। अब इससे बाहर निकलने के बाद यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे sum=, ये आपका आ जाएगा सम। ओके, तो ये आपका प्रोग्राम हो गया। अब इसको हम रन करते हैं। ओके, अब इसको रन करेंगे। सपोज इसमें हम 10 दे देते हैं और 10 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का सम हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई सम ऑफ सीरीज फर्स्ट
अब इसी के अंदर हम थोड़ी सी परिवर्तन करें, है ना। तो इस सीरीज को अपन चाहें कि ये 1 + 3 + 5 ये वाली सीरीज हो जाए, तो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट है उसके अंदर आप 2 कर दीजिए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये इंक्रीमेंट 2 कर दीजिए, 1 से स्टार्ट होगा, 1 में 2 जोड़ेगा 3, 3 में 2 जोड़ेगा 5, 5 में 2 जोड़ेगा 7। तो इस तरीके से ये आपका आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी चलो रन करके देख लेते हैं। ओके, एन के अंदर आपने दे दिया 10, 1, 3, 5, 7, 9, और इसका जो सम है वो 25 आपके सामने हाजिर है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब इसी तरह से मैं इसके अंदर और परिवर्तन करता हूँ, और इस सीरीज को मैं 2 + 4 + 6 ये कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग मैंने 1 से की हुई है, इसको 2 कर देता हूँ। तो 2 से स्टार्ट हुआ और एवरी टाइम इसमें 2 का इंक्रीमेंट लग रहा, तो 2 + 2 + 2 + 2 इस तरह से ये चलता रहेगा। तो 2, 4, 6, 8 ये सीरीज होगी और इसी का ये सम आपके सामने डिस्प्ले करवा देगा। तो चलिए ये भी हम देख लेते हैं। ओके, तो ये 10 ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सम आ गया। तो इस तरह से हम ये सीरीज वाले प्रोग्राम है विद द हेल्प ऑफ लूपिंग स्ट्रक्चर हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर आज मैंने आप लोगों के सामने व्हाइल लूप का डेमोंस्ट्रेशन दिया, ठीक है। और यही सब सीरीज के साथ अगले सेशन में मैं आप लोगों को फॉर लूप का डेमोंस्ट्रेशन दूंगा। तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद सभी को।